The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. पूछना है, why am I in such a bad mood? क्यों आपका mood जो है, bad है, कभी कोई actually irritable हो जाता है without any कोई significant reason? कोई बिना किसी रीज़न से सडनली बहुत सैड, बहुत डाउन फील करने लगता है, कोई सैडनेस या एंगर में घुस जाता है, कोई कोई अलग अलग रिस्पॉन्स होता है अलग अलग पर्सन का. सो हमें ये देखना होता है कि आपको ये देखना होता है कि ये क्यों हो रहा है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, राइट, ये फीलिंग एक तरीके के इमोशनल रोलर कोस्टर जैसी भी हो जाती है. दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन इन टीनेज पीपल, बच्चों में, टीनेज ग्रुप में, मिडिल एज में एंड अल्डरली पीपल में, कई सारे लोगों में ये बहुत बहुत कॉमन है. सो व्हाट इज़ दिस, क्यों हो रहा है ऐसा और आपको कैसे डील करेंगे. सो व्हाई इज़ दिस कॉन्स्टेंट चेंज इन द एंड द प्रेशर इन योर माइंड, क्यों हो रहा है. मे बी आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं, मे बी आपके रिलेशनशिप सही नहीं चल रहे हैं, मे बी आपके पेट, आपकी एक्चुअली कोई बीमारी है, बॉडी ठीक नहीं चल रही है, पेट ख़राब है. सो देयर कैन बी मैनी रीजंस, राइट. अच्छे मार्क्स आ गए बच्चों के, आपका कोई अच्छा करियर में कोई अच्छी चीज़ हो गई, देन यू बिकम हैप्पी. कोई बुरी चीज़ हो गई, कोई किसी कोई मिसहैपनिंग हो गई, देन यू बिकम सैड. सो ऑब्वियस रीजंस आर रीजंस, बट देन टीनेज ग्रुप में everybody is struggling with their identity, their self image. कई बार बड़े मिडिल एज में भी कई लोगों को मिड लाइफ क्राइसिस आता है कि भाई मैंने क्या किया, मैंने आज तक क्या ही अचीव कर लिया, राइट. एकदम से लगता है मैंने आज तक जो किया सब बेबुनियाद है, कोई मतलब नहीं. सो देर कैन बी सो मैनी थिंग्स गोइंग ऑन इन योर माइंड जिनके वजह से आप लोगों को आपके पहली बार या दूसरी बार या हमेशा कई बार ऐसा लगता है कि यू आर नॉट, यू आर वर्थलेस. कई बार लग सकता है यू आर अलोन, लग सकता है यू आर यूजलेस, ऐसी चीज़ें भी लगती है इसको. ये बहुत कॉमन है, दिस इज़ अ साइन ऑफ बीइंग यू नो डिप्रेस्ड, लो, राइट. और कई बार ये कन्फ्यूजन भी होता है, हम खुद समझते हैं कि भाई कुछ तो है. कई बार लगता है टाइम से पास हो जाएगा, कई बार लगता है कि किसी से बात करें, राइट. सो ये मूड स्विंग्स हैं एक तरीके के जो लाइफ के इवेंट के साथ होते रहते हैं. बायोलॉजिकल है, नॉर्मल है, हर एक में होते हैं. ऐसा कोई दुनिया का पर्सन नहीं है, छोटा बड़ा, सेलिब्रिटी नॉन सेलिब्रिटी, डजेंट मैटर, जिसको मूड स्विंग नहीं हुए, याद रखिएगा. और ख़ासकर जब प्यूबर्टी होती है टीनेज ग्रुप में, जब सेक्स हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन फीमेल्स में, टेस्टोस्टेरोन गाइज में, तो फिजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में और साथ ही इमोशनल चेंजेस, रोलर कोस्टर बहुत ज़ोरदार तरीके से होते हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑलमोस्ट सब में होते हैं, टीनेज ग्रुप में तो सभी में होते हैं और आगे चल के भी होते रहेंगे, राइट. सो आपको जो जानना है जरूरी कि व्हेन इट इज नॉट जस्ट अ मूड प्रॉब्लम, है कब ये उससे बढ़ गया, डिप्रेशन कब हो गया. व्हेन सी नंबर वन, फीलिंग इरिटेबल और शॉर्ट टेम्पर, आपने नॉर्मल बिहेवियर से ज्यादा इरिटेबल, शॉर्ट टेम्पर कैन बी अ साइन ऑफ डिप्रेशन, राइट. और फीलिंग बोर्डम, होपलेसनेस, बहुत बोर हो रहे हैं, हर चीज में बोर हो रहे हैं, कैन बी अ साइन ऑफ डिप्रेशन. मैनी पीपल थिंक, कई लोगों को लगता है कि डिप्रेशन बेसिकली सैडनेस है, एक सैड फीलिंग है, बाकायदा है. लेकिन डिप्रेशन इज ऑल्सो अ फीलिंग ऑफ सैडनेस के अलावा एंगर भी हो सकती है, इम्पेशेंस भी हो सकती है और केयरलेसनेस भी हो सकती है. मुझे फर्क नहीं पड़ता, एकदम से कोई पर्सन अपने छोटे बच्चे को लेके अब वो क्या कर रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, दैट कैन बी अ साइन ऑफ डिप्रेशन, राइट. सो इट्स अ थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या है, व्हाट आर द साइंस व्हेन यू स्टॉप एंजॉयिंग योर लाइफ और डीलिंग विद अदर्स, डीलिंग विद योर प्रॉब्लम्स, तब आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो. तो उस केस में यू नीड टू टॉक टू समवन. उस समय पहली चीज़ है अपने इमोशंस को बाहर निकाल के पेपर पे लिखिए, पर्सन को बताइए, फैमिली मेम्बर को बताइए, वाइफ को बताइए, पेरेंट्स को बताइए, काउंसिलर को बताइए, किसी को तो बताइए, राइट. सिर्फ बताने भर से आधी जंग जीत जाते हैं भाई साहब. सो डोंट इवन थिंक अबाउट कीपिंग इट टू योर सेल्फ, टेल इट टू समवन, राइट. एंड चूज अ पर्सन जो आपको पता है आपको सही एडवाइस देगा, वो नहीं यार छोड़ना, दारू पी, खुश रहे. सो डोंट गो टू दैट पर्सन, ओके.
गो टू दैट पर्सन जो आपको सही एडवाइस देगा, राइट. सो इफ यू फील लाइक बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड, हर्टिंग योर सेल्फ, देन दैट्स अ बैड मूव एंड यू नीड टू टेल योर काउंसलर. तो ऐसे में आप क्या करोगे, ऐसे में जब भी आपको लग रहा है कि नहीं, आई एम वेरी डिप्रेस्ड, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, आई नीड हेल्प बट आई डोंट वॉन्ट टू टेक इट, ऐसा कुछ लग रहा है, सो यू नीड टू रिकोगनाइज, यू कैन टेक कंट्रोल इन सच सिचुएशन. बहुत आसान है इसको कंट्रोल करना, आपको सिर्फ समझना पड़ेगा. नंबर वन, रियलाइज, रिकोगनाइज, भाई साहब समझ लो आप अकेले नहीं हो, हर पर्सन अपनी पूरी जिंदगी में इससे गुजरेगा ही. बात समझे, जैसे हर पर्सन को आज नहीं तो कल पॉटी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, छोटे बच्चे को, बड़े होने के बाद हर एक को आज नहीं तो कल बाथरूम तक जाने के लिए किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ता है, राइट. वो सच्चाई है, जिंदगी भर कोई नहीं बैठा जो खुद ही सब कुछ कर लेगा. सो सेम वे हर इंसान को जिंदगी में कभी ना कभी ये फीलिंग होती है जो आपको होती हो रही है. सो एवरी टीन एक्सपीरियंसेस मूड चेंज, एवरी बडी एक्सपीरियंसेस, दिस इज सो कॉमन. सो फर्स्ट थिंग इज दैट, सो रियलाइज कि आप अकेले नहीं हो. सेकेंड थिंग, कैच योर ब्रेथ. हमेशा याद रखिए, सांस को, जब भी आपको दिक्कत हो रही है ना, गुस्सा आ रहा है, कुछ अजीब गरीब लग रहा है, सांस को 10 सेकंड के लिए रोक ले, या फिर 10 सेकंड उल्टा गिनिए, या गिन लो 10, 1, 2, 3, 4, 10 तक गिन लो, डजंट मैटर, इट जस्ट और डू समथिंग लाइक दिस टू सेटल डाउन फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ दिनों देरों के लिए, राइट. खासकर जब इरिटेबल हो, एंगर हो, तब इसको बहुत अच्छे से काम किया जा सकता है. आप अपने, सबसे ज़रूरी चीज़ है उस सिचुएशन को उस थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, जिस पे आप गुस्सा हो रहे हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि ये इसमें दिमाग नहीं है क्या, ये क्यों ऐसा सोच रहा है, क्या उसके नज़र में उसको क्या मिसिंग है, राइट. एंड टेल दैट थिंग टू दैट पर्सन, नाउ दैट इज़ वेयर यू विल डू सम प्रोडक्टिव थिंग, राइट. एंड ऑब्वियसली यू नीड टू टॉक टू समबडी यू ट्रस्ट, फ्रेंड हो, पेरेंट हो, डजेंट मैटर, डॉक्टर हो, डजेंट मैटर, टॉक टू समवन. एंड एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज प्रोड्यूसेस मोर बीटा एंडोर्फिन्स और डोपामिन्स हॉर्मोन्स, जो स्ट्रेस भी कंट्रोल करते हैं, मूड इम्प्रूव करते हैं. सो रनिंग के लिए जाओ, टेनिस खेलो, बाइक राइड करो, पंचिंग बैग को मारो, गुस्सा आ रहा है, आई डोंट केयर, राइट, बट एक्सरसाइज, ठीक है. कितना, एटलीस्ट 20 मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स एवरी डे और 5 times अ वीक. और नींद अच्छी ले लो, राइट. 7 to 9 hours ऑफ नींद, इनफ टाइम ढूंढ के निकालो. रेस्ट इज वेरी डैम इम्पॉर्टेंट. टायर्ड रहोगे तो इरिटेबिलिटी, सैडनेस बढ़ सकती है, रिमेंबर दैट. एंड यू नीड टू डू समथिंग, क्रिएट, इट्स वेरी गुड फॉर योर मूड, फॉर मेंटल डिसऑर्डर, क्रिएट सम, गेट इन्वॉल्व विथ सम प्रोजेक्ट, कोई जर्नल, कोई डायरी, कोई बिल्डिंग समथिंग, कोई लकड़ से कुछ बनाना है, कोई पेंटिंग, कोई म्यूजिक, कोई ऑर्गेनाइजेशन, घर सजाना, वॉट एवर इट इज, आई डोंट केयर, क्रिएट समथिंग, क्रिएट समथिंग, कुछ नया बनाओ, कुछ नया मतलब कुछ ऑर्गेनाइज कर लो, कुछ बनाओ, कुछ करो, बी ट्राई टू बी यूजफुल इन स्मॉल थिंग, यार छोटी सी चीज कर लो बट करो. इट्स एन एक्सरसाइज विच गिव्स योर ब्रेन, योर माइंड समथिंग टू डू एंड सम अचीवमेंट. इट्स अ गुड थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. सो पेपर पे अपने थॉट्स लिख लो, कुछ कर लो, ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, डोंट वरी अबाउट ये और चीज, मेरे को लिखना नहीं आता, मेरी स्पेलिंग अच्छी नहीं है, आई डोंट केयर, नोबडी केयर्स, मैटर क्या करता है, आपने कुछ किया, कुछ लिखा, राइट. और बहुत ज्यादा सैड लग रहा है तो थोड़ा सा रो भी सकते हो, क्राइंग इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन क्राइंग, इन फैक्ट इट मेक्स यू फील बेटर, कई बार अच्छा लगने लगता है, रोले बढ़िया से, राइट, अच्छा लगता है. आप सैड है, इरिटेबल है, होपलेस है, बोर्ड है, डजेंट मैटर, राइट. इट सम टाइम कभी ना कभी आपको आपके शरीर को झिझोड़ के रो लिए कोई दिक्कत नहीं, इट टेक्स इट्स हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वेट फॉर इट. क्या वेट फॉर इट, हर समय गुजर जाता है, बैड मूड, बैड फेज हर एक की लाइफ में आता है, गुजर जाता है, सो वेट फॉर द गुड टाइम, हर एक का अच्छा वक्त आएगा, डोंट वरी अबाउट इट, अच्छा वक्त आना ही आना है. नेगेटिव मूड, नेगेटिव कई बार थोड़ा लंबा टिक जाए, डोंट वरी, गेट हेल्प बट वेट फॉर इट. ऐसा नहीं कि बैठा हूँ मैं सोया रहूँगा जब तक अच्छा मूड नहीं आएगा, यू हैव टू एक्ट फॉर इट, राइट. वेट फॉर इट का मतलब है कि नहीं आएगा ऐसा मत सोचो, बट यू हैव टू डू समथिंग, राइट. रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, राइट. एक बच्चों को भी यही चीज़ सिखानी है, बड़ों को भी, कि अपने काउंसिलर, पेरेंट, थेरापिस्ट, बेस्ट फ्रेंड, इनसे बात करो, और उनसे बात करो जो आपको यही चीज़ें बताएं, जो पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाए. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
नेगेटिव फीडबैक्स बंद करो, अपने बॉडी के अंदर नेगेटिव इनपुट्स बंद करिए, राइट। जो भी सीरियल्स, टीवी, ऐसी चीजें जिसमें नेगेटिव चीजें दिखा रहे हैं, जो आपको सिंपथी चाहिए, इज इट पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव शट इट डाउन, राइट। बेसिक चीजें, तो ये सब करेंगे अगर आप, तो आप उस बैड मूड से निकल जाएंगे। दिस इज द वे हाउ यू कैन डील विथ योर बैड मूड, योर डिप्रेशन। ऑल द डिप्रेशन इज अ लिटिल डिफरेंट, बट देन दिस इज कोरली, है ना, थोड़ा सा ऊपर ऊपरी ऊपरी चीज जो आपको समझनी चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। थैंक यू सो मच। कोई सवाल है तो जरूर लिखिए। ऑलराइट।